गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। चलिए, तो हमारा चैप्टर नंबर 5 हिंदी की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 5 रन हो रहा था, जिसका नाम था जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो अभी तक इसमें हमने अभी तक कर लिए हैं इसके शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग, रिक्त स्थान, और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा पहला प्रश्न है बचपन में इला कहाँ रहती थी। तो बचपन में इला कहाँ रहती थी, स्टोरी हमने पढ़ी है, आपको पता है बचपन में वो कहाँ रहती थी, अपने नाना के यहाँ। लेकिन उसके नाना का घर कहाँ था, बचपन में इला अमरेली जिला के राजकोट गाँव में अपने नाना के यहाँ रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इला दसवीं की परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाई। इला जो थी वो टेंथ की एग्जाम्स पास नहीं कर पाए थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था स्टोरी एक्सप्लेनेशन के टाइम कि वो क्या रीजंस रहे थे कि वो टेंथ के जो एग्जाम्स थे वो पास नहीं कर पाई थी। तो ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि उसको उन सुविधाओं के बारे में नहीं पता था जो एक विकलांग व्यक्ति को मिल सकती है। वो क्या क्या सुविधाएं थी, इला विकलांग होने के कारण दसवीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। उसे यह जानकारी नहीं थी कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो उसके लिए लिखने का काम कर सके। ठीक है, उसको दोनों फैसिलिटी मिल सकती थी, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता था और कोई उसे राइटर भी मिल सकता था, लेकिन उसे इस चीज का पता नहीं था। इस वजह से विकलांग होने के कारण और अपनी स्पीड कम होने के कारण वो पास नहीं कर पाई। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इला की माँ और दादी क्या करती थी। तो ये तो आपने पढ़ाई है, सब जानते ही हैं, इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो किसी तरीके से विकलांग हो या उसे कोई शारीरिक कोई परेशानी हो, तो आपके मन में क्या क्या सवाल आएंगे, क्या क्या आएंगे। देखिए, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में निम्नलिखित प्रश्न आते हैं। आप सोचते ना कि ये कैसे खाती होगी, ये खेलती कैसे होगी, ये कपड़े कैसे पहनती होगी, आदि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके दिमाग में उसको देख के कि यार इनके हाथ तो वर्क करते नहीं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। ये चैप्टर रीड करने के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी सोच में कुछ बदलाव आया ऐसे लोगों के प्रति। इसका उत्तर है, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया कि हमें ऐसे हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, वे भी हर कार्य में सक्षम होते हैं, बस आवश्यकता होती है सकारात्मक सोच और इच्छा शक्ति की। मतलब उसके कि अच्छा सोचो और पूरा दृढ़ संकल्प रखो कि ये काम मुझे करना है तो आप उसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इस लेख से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस लेख से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम कुछ काम करने की ठान लें तो कोई कार्य असंभव नहीं होता। यदि इच्छा शक्ति हो तो हमें कार्य को करने के रास्ते भी मिल जाते हैं, कोई रुकावट नहीं आती। अगर हम सोचेंगे कि हमें ये काम करना है तो आप उसको इजीली कर पाओगे।